नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। और आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसमें फायदा और नुकसान आपको तय करना है, क्योंकि पैसा आखिर आपका है। अगर आप OTT पर ज्यादा कंटेंट देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए नुकसान, और अगर कभी कभी देखते हैं तो फायदे का सौदा हो सकता है। अब समझते हैं कैसे। हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो की। Amazon प्राइम वीडियो ने भारत में एक नया प्राइम वीडियो स्टोर ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड यानी TVOD लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसमें इंडिविजुअल मूवी रेंट पर उपलब्ध होगी। प्राइम वीडियो ऐप और वेबसाइट में पे पर व्यू सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। इसमें प्राइम सब्सक्राइबर्स के साथ साथ नॉन प्राइम सब्सक्राइबर भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार देखने के लिए 99 रुपए से लेकर 499 रुपए तक का पेमेंट करना होगा। फिल्म खरीद के 30 दिनों के बाद रेंट पर उपलब्ध होगी। एक बार शुरू होने के बाद 48 घंटों के भीतर इसे पूरा करना होगा। Amazon प्राइम वीडियो ने गुरुवार को हिंदी, तमिल और तेलुगु में 40 से अधिक नई फिल्म और शो का ऐलान किया। Amazon प्राइम वीडियो ने भारत में 5 साल पूरे कर लिए हैं। प्राइम वीडियो स्टोर के साथ देश में पे पर व्यू मूवी सेवा में कदम रख रहा है। इसके अलावा प्राइम वीडियो नए मल्टी ईयर लाइसेंसिंग डील्स और इंडियन स्टूडियो के साथ प्रोडक्शन का ऐलान भी कर रहा है। Amazon प्राइम वीडियो ने हिंदी और तेलुगु में फिल्मों के साथ भारत में फिल्म निर्माण में भी कदम रखा है, जिसे सीधा OTT पर रिलीज किया जाएगा। वहीं बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान को 60% से घटाकर 199 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। कुछ अन्य प्लान की कीमत में भी 18-23% तक की कमी कर दी गई है। Amazon प्राइम वीडियो का पे पर व्यू या ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड यानी TVOD एक बार देखने के लिए 769 रुपए से लेकर 1499 रुपए में उपलब्ध होगा। प्राइम वीडियो के इस दाव का मकसद ग्राहकों की संख्या बढ़ाना है। प्राइम वीडियो का सीधा मुकाबला Disney+, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स के साथ है। Amazon प्राइम वीडियो के पास भारत में 17 मिलियन का कस्टमर बेस है, जबकि नेटफ्लिक्स के पास देश में लगभग 5 मिलियन का ही कस्टमर बेस है।